नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 9:24। आइए साथ की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। आसनसोल बाजार में तृणमूल कांग्रेस की नई पार्टी ऑफिस बहुत जल्द बनने जा रही है, जिनका आज भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर शाहिद परवेज के अलावा तृणमूल कांग्रेस के दिगर कारकुनान भी मौजूद रहे। मैं शाहिद परवेज आज आसनसोल उत्तर विधानसभा ऑफिस का न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का शुरुआत के लिए आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया, और इस शर्त के साथ जो लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग जो सीनियर लोग या बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो यहाँ आज नहीं आ पाए, उसका मुझे दुख है। लेकिन आज मुझे इस बात का खुशी है कि मेरा जो पुराना ऑफिस जो इस बिल्डिंग में था, वो ऑफिस के बाद हमारे मंत्री मुलायम घटक ने ये आदेश दिया कि इस ऑफिस को नए तरीके से किया जाए और नए जोश के साथ नए नौजवानों को लेकर टीम तैयार किया जाए। और यहाँ से सिर्फ वही लोग यहाँ पर टिप आएंगे जिनका सिर्फ सोच जनता का सेवा करना है। हमारी सरकार, हमारी दीदी ममता बनर्जी, माई माटी की सरकार, आम लोगों को सेवा करना हमारा पहला निर्देश है। हमारा स्लोगन है माई माटी मानुष। हम अपने स्लोगन के हिसाब से यहाँ पर आज भूमि पूजन के साथ साथ ये शपथ लेते हैं। वो तमाम लोग इस पार्टी ऑफिस में जो लोग आए, सबको अपडेट होना की वजह कर हमेशा सुर्खियों में बनी रही है, और वो बुरा वक्त में हमेशा गरीबों के पास खड़ी होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा नियामतपुर चैम्बर की ये खूबी रही कि नियामतपुर फाणी से जब भी किसी ऑफिसर का तबादला होता है या फिर किसी की आमद होती है, तो उनका खैर मकदम फूलों के गुलदस्ता के साथ की जाती है। आज इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए गुरविंदर सिंह की क्यादत में नियामतपुर फाणी में जो नए पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के तौर पर ज्वाइन किए हैं अमित हलदार, उनको फूलों का गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चैम्बर के दिगर कारकुनान भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की जानिब से जमुनिया में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद किया गया। इस मौके पर दर्जनों टीचर ने ब्लड डोनेशन करके ये साबित किया कि समाज में तालीम के साथ साथ वो सामाजिक कामों भी कितनी एक्टिव है। इस काम को हमें करना है। हम लोगों को विधि कर्ता से निर्देश है कि अपने विधानसभा के अंतर्गत जगह जगह आप जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, और ब्लड देकर हमारी जो कोरोना पेशेंट है जिनको आवश्यकता है उसको सेवा करने का इनसे मौका मिले। हम लोग पौधे हैं और आज मंगलपुर में आप लोगों ने जो अरेंजमेंट किया है बहुत ही सबको बड़ा काम नहीं होता है, और कौन काम हमारे कोरोना से जीत हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि तमाम शहरी वैक्सीन लें, और वैक्सीन लेने के लिए कॉरपोरेशन अपनी जानिब से बहुत कोशिश कर रही है। आज एक मैकिंग के जरिए लोगों को ये आगाह की गई है कि आप अपने आधार कार्ड जमा कर दें, टेलीफोन नंबर लिखा दें कॉरपोरेशन के दफ्तर में, आपका नंबर आने के बाद कॉरपोरेशन कॉल करके आपको वैक्सीन दे देगी। अगर हम लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो कोरोना से जीत नहीं पाएंगे। आसनसोल नगर निगम के तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है। तमाम हॉकर भाइयों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप लोग वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन लेना जरूरी है। आप लोग अपने अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपने अपने बोरो ऑफिस में जमा कर दीजिए। आप लोग को फोन करके बुलाया जाएगा। जिस तरह मास्क लगाना है जरूरी, उसी तरह वैक्सीन लेना है जरूरी। आप लोग वैक्सीन अवश्य लें, वैक्सीन लेना जरूरी है। आप लोग
कोरोना की लड़ाई में अवाम के साथ साथ सामाजिक तंजीम भी काफ़ी एक्टिव है और लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रही है। आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ में सामाजिक एक तंजीम जागरण की जानिब से कोरोना बेदारी मुहिम चलाई गई और इस बेदारी मुहिम में मास्क सैनिटाइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस मौके पर मेहमान खुशी के तौर पर तृणमूल कांग्रेस सीनियर रहनुमा अभिजीत घटक मौजूद थे। जागरण फाउंडेशन जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, हमारे मंच पर बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें जो सूर्या जी से लेके अरोड़िया जी है, आपने पंद्रह के आई सी है, कोविड बाबू है, उनके कारण के अधिकारी सब है, मस्जिद कमेटी के जमुनिया जी उनका प्रेसिडेंट है, गुरुद्वारा कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट हैं और भी सारे जो गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, देखिए आज जागरण फाउंडेशन का ये जो काम आज यहाँ पर मास्क को सैनिटाइजर बांटने के लिए ये लोग कर रहे हैं, आज इसका जरूरत बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये कोरोना का जो सेकेंड फेज का चल रहा है, इसमें हम लोग देखा कि संक्रमण भी ज्यादा हो रहा है और इन संक्रमण लोगों को मौत भी ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए सबको बचने के लिए